मैंने दो तीन इंटरवेंशंस की आज्ञा भी आपसे इच्छन मांगने का दुस्साहस किया है, लेकिन विशेष रूप से मंत्री के नाते जब मैं इंटरवेन करती हूं साहब, तो मैं इस बात से भी प्रफुल्लित हूं कि जो आज एमओएस साहब पूरा दिन आपके आशीर्वाद से हम सबके विषयों को सुन रहे थे, मेरे साथ संगठन में युवा मोर्चा की इनके पास जिम्मेदारी थी और आज मैं संगठन की ओर से कार्यकर्ता होने के नाते अपने प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करती हूं कि युवा शक्ति को भी राष्ट्र की सेवा करने का उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपनी सरकार में एक मौका दिया है। आभार आपके माध्यम से सर मैं व्यक्त करना चाहूंगी कि इस बजट में 1,43,000 करोड़ की व्यवस्था मात्र देश की महिलाओं के लिए की गई है। आभार इस सरकार का मानूंगी कि बच्चों के लिए विशेष अगर हम सरकारी बजट में आवंटन देखें तो 96,000 करोड़ रुपीस मात्र बच्चों के लिए है। विशेष रूप से मैं वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं कि एससी का बजट 83,000 करोड़ है, एसटी का बजट 53,000 करोड़ से ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट जहां पर मेरे भी कुछ रूट्स हैं वहां पर आपने 60,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन करके हम सबको कृतज्ञ किया है। सर मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से इंटरव्यून इसलिए करना चाहती थी कि इस सदन में मैंने वित्त मंत्री जी के मुख से एक टास्क फोर्स की व्यवस्था को सुना। आप विशेष रूप से पोषण अभियान के एक फ्लैग बेरर रहे सदन में, जिसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। हमारे देश में नेशनल हेल्थ सर्वे के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग 20 से 22% बच्चियां जिनको मटर्नल मोर्टेलिटी से जूझना पड़ता है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि वो कम उम्र में ब्याही जाती हैं और साथ ही उनका बच्चा कम उम्र में होता है, जिसकी वजह से माता की और बच्चे की जान भी खतरे में आती है। पहली बार हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक बजट में एक टास्क फोर्स के निर्माण की बात हुई है, जिसके लिए मैं सरकार को विशेष प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि इतना डिटेल में जाकर चुनौतियों को देखना, समझना और उन्हें समाधान देने की व्यवस्था है। पोषण अभियान की सर आपने सदन में कई बार हमारे सांसदों के माध्यम से चर्चा करवाई, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे समाधान प्रस्तुत होता है उसके लिए सरकार ने विशेष पोषण अभियान, न्यूट्रिशन, आंगनबाड़ी को और सशक्त करने के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन दिया, जिसके लिए एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।